दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऐसे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाइए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस हेल्पिंग हैंड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, हमारे पास ए मेलबोर्न का एक पाइनएप्पल जो सट्टा बॉक्स है दोस्तों, ये हमारे पास यहां पर अभी फिलहाल में है दोस्तों। और आज की इस डेट में हम इसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके आपको दिखाएंगे, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पर इसकी सबसे पहले जो है सिस्टम इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ, जो कि दोस्तों मॉडल नंबर HN4907 है, हार्डवेयर वर्जन SHN4907 वर्जन 1.0। और इसमें दोस्तों आपको सिर्फ हार्डवेयर वर्जन चेंज दिखाई देगा, तो इसी सॉफ्टवेयर को हम आज करने वाले हैं। तो फिलहाल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपग्रेड बाय USB में जाना है, हमने ऑलरेडी USB लगा दिया है दोस्तों। यहां पर सबसे पहले जो है दोस्तों आपको डंप फाइल आपका क्रिएट कर लेना है, हमने ऑलरेडी डंप फाइल क्रिएट किया है। उसके बाद में दोस्तों हम जो आज सॉफ्टवेयर करने जा रहे हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर का नेम है दोस्तों Beldon 800, यानी कि Beldon 800 सेटअप बॉक्स का ये फाइल है दोस्तों, और इसमें फुल्ली वर्किंग है दोस्तों। हम आज आपको यहां पर लाइव करके दिखा रहे हैं दोस्तों, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। आपको यहां पर एक मैसेज शो होगा दोस्तों, यहां पर आपको यस करना है। उसके बाद जो है दोस्तों हमारा जो बॉक्स है अपग्रेड होना स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर नीचे एक मैसेज दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस दौरान जो है दोस्तों आपका जो बॉक्स है उसका पावर ऑफ नहीं होना चाहिए, अगर पावर ऑफ हो जाता है तो आपका जो बॉक्स है वो डेड हो सकता है दोस्तों। तो उसी दौरान वो जो आपका डंप फाइल क्रिएट किया था वो फाइल आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी दोस्तों। इसीलिए कोई भी सेटअप बॉक्स का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते समय डंप फाइल क्रिएट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो अपग्रेड हो चुका है, SD Beldon हाई क्वालिटी डिजिटल सैटेलाइट रिसीवर का लोगो आ चुका है दोस्तों। और इसमें आपको क्या मिलता है दोस्तों देख लेते हैं। चलिए हमारा बॉक्स जो है वो यहां पर ऑन हो चुका है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर मैं इसकी जो सिस्टम इंफॉर्मेशन है यहां पर आपको दिखा देता हूं। इसमें आपको दोस्तों 20 की का ऑप्शन मिलता है। सिस्टम इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे तो मॉडल नंबर है दोस्तों BE 800, हार्डवेयर वर्जन है दोस्तों SHN4915 वर्जन 1.1, यानी कि हार्डवेयर वर्जन यहां पर चेंज हो चुका है दोस्तों। नीचे आप डेट भी देख सकते हैं, ये 2017 का ही फाइल है दोस्तों, इसका अपग्रेड अभी तक नहीं आया दोस्तों। तो मेलबोर्न में Beldon का सॉफ्टवेयर वर्क करता है, आज की इस वीडियो में हमको यही बताना था दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन दिखाई दे रहा है, उसे प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऐसे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाइए सबसे पहले। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक है, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कोई नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।